तो दोस्तों आज एक सनसनीखेज खबर के बारे में बता रहा हूं आपको। अपराधी कौन? जैसे कि प्रचलित है कि छोटे छोटे बच्चे तक मोबाइल के अंदर व्यस्त रहते हैं, पर इसका असली कारण कौन है, इसके असली अपराधी कौन है? शायद ये बच्चे असली अपराधी नहीं है। ये बहुत एक डीप और एक बहुत संवेदनशील विषय है जिसको हम आसानी से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके फ्यूचर का सवाल होता है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने भी ये कंप्लेन स्कूल के अंदर सुनी होगी टीचरों के साथ, कि जब उनके साथ ये वाक्या होता है कि पेरेंट्स पीटीएम के टाइम पेरेंट्स का क्वेश्चन रटा रटा है, शायद यही होता है जो उनको सुनने के लिए मिलता है कि हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल में रहता है। पर अपराधी कौन क्वेश्चन यही है, तो शायद अपराधी कौन है, तो शायद आप देख रहे हो जैसे असली अपराधी उनके पेरेंट्स खुद होते हैं जो कि बच्चे को मोबाइल देते हैं बचपन से ही, और खुद घंटों भर तक मोबाइल के अंदर व्यस्त रहते हैं। तो बच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो कि बच्चा जो देखेगा वही ग्रहण करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं ग्रहण करेगा। माँ बाप दिन भर बतियाते रहते हैं। माँ बाप में जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बिजनेस क्लास का हो, वो हम जैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग भी हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टीचरों की जो लोगों को समझा सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन खुद भी जब एक परिस्थिति आती है वो खुद मोबाइल के अंदर एंगेज रहते हैं। और लेकिन दूसरों के बच्चों को जरूर बोल सकते हो कि नहीं बेटा मोबाइल नहीं खेलना, या पीटीएम में बोल सकते हैं वो, नहीं बेटा मोबाइल नहीं खेलना, गंदी बात है, तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे या डराएंगे, लेकिन वो खुद लोग इसके अंदर व्यस्त रहते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ टीचर से नहीं है, ये सब उन पेरेंट्स से है जो अच्छी पेरेंटिंग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि वो दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो आज का बच्चा जिसके पास टाइम खेलने का भी नहीं है तो वो जाएगा कहाँ? तो एक बहुत बड़ा संवेदनशील क्वेश्चन है, इसको हमें सोचना चाहिए। और इसका ज़्यादा से या जल्दी से जल्दी इसका क्या निदान हो सकता है ये भी सोचना चाहिए। तो निदान तो एक है, खुद कि पेरेंट्स को खुद इन मोबाइल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक ड्रग से भी ज़्यादा एक ऐसा एडिक्शन है जिसका छूटना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा पेरेंट्स को, बहुत नियमित उनको दिनचर्या बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आपके ऊपर, आप कैसे सुलझाते हो? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आपका, आपका अपना कवि योगीराज। तो मेरे ज्यादा से ज्यादा इन सुझावों पे अमल करना, ज्यादा से ज्यादा फैलाना इस बात को, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है। धन्यवाद, फिर मिलूंगा।